हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर के पराठे। ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है फ्रेंड्स। इसको सबसे पहले हम इसको हाथों से क्रश करेंगे। हमें बिल्कुल अच्छी तरह मसल लेना है पनीर को। उसके बाद हम इसमें, ये मैंने हरा धनिया काट के रखा था, 1 टीस्पून हरा धनिया है ये। ये मैंने प्याज को क्रश करा है, ये 2 टेबल स्पून है ये प्याज ऑनियन। एक मैंने हरी मिर्च लिए है, ये 1/2 टेबल स्पून नमक है। आटे में मैंने नमक नहीं डाला है फ्रेंड्स। ये मैं चुटकी भर डालूंगी ज़ीरा, और चुटकी भर ही डालूंगी मैं इसमें अजवाइन। हल्की सी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 1 पिंच के बराबर। अब हम इसको सबको हाथों से मिलाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें डाली हैं इसमें, इसलिए मैंने इसमें मिर्चें कम डाली हैं। इसकी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब हम परांठा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आटा लिया है, आटा गूंद लिया, ना मैंने ज़्यादा पतला करा ना ज़्यादा मोटा करा इसको, और बिल्कुल सही गूंदा हुआ ही है, सॉफ्ट आटा हो रहा है। ये मैंने 2 लोई काट लिए इसमें से। अब ये उठा के हम रख देते हैं बाकी का। अब हम इसको बेलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आपको गोल पराठा नहीं, आज मैं आपको स्क्वायर पराठा बनाना सिखाऊंगी। अब मैं इसमें देसी घी लगाऊंगी। ये देखिए, उसके बाद मैं इसमें पनीर की स्टफिंग भरूंगी। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी, इसको इधर से और इसको इधर से। हल्के हाथ से दबाएंगे हम इसको, आटे में डिप करेंगे, और इसको मैं हल्के हल्के हाथों से बाहरना है। पराठा बनके हमारा एक तैयार हो गया है। अब हम दूसरा भरेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। देखिए, इसको हम ऐसे ही प्लेट में रख देंगे पराठे को। अब हम दूसरा बनाएंगे। इसे मैं आटा नहीं लगाऊंगी अभी, नहीं तो ये अंदर से चिपकेगा नहीं। अब इसमें मैं फिर घी लगाऊंगी। ऐसे फोल्ड करूंगी। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं स्क्वायर में बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं आटा डालूंगी यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये दूसरा पराठा ही बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, हम इसको ही प्लेट में रखेंगे। अब हम इन दोनों को सेकेंगे। चलिए आइए, हम आपको दिखाते हैं सेक कर। मैंने ये गैस पे तवा रख दिया है। तवे को हल्का सा घी लगाऊंगी, देसी घी। उसके बाद हम उसमें ये अपना पराठा डालेंगे फ्रेंड्स, ताकि नीचे चिपके नहीं। दो मिनट के लिए पकने देंगे इसको। अब हम इसको पलटेंगे। आप चाहे तो स्पून की मदद से पलट सकते हैं। पनीर हमारा ऊपर आ गया है थोड़ा सा, इसको ऐसे हल्के से दबा दीजिए। बहुत सॉफ्ट हो रही है, इसको हम फिर ऐसे पलटेंगे। मैं इसमें घी डालूंगी। अब दोनों तरफ से हम इसको ऐसे ही सेकेंगे। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा सिका है हमारा पराठा। ऐसे हम दूसरा पराठा भी सेकेंगे अपना।
ये देखिए कितना अच्छा पराठा सिका है हमारा। ये मैंने डाल दिया, इसको की बार हम स्पून से पलट के देखते हैं ऐसा। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। देसी घी में पराठे बहुत अच्छे बनते हैं फ्रेंड, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं एकदम। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा सिका है पराठा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं ताकि अंदर अच्छी तरह घी भर जाए। ये देखिए हमारे दोनों तरफ से पराठे बन के तैयार हो गए। अब मैं इसको ऑफ कर दूंगी फ्लेम को, इसको भी हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे पराठे बन के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये पनीर का पराठा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।